वन सेकंड पटको चूँ कटे डोंट कट ओके कट आप लेंगे सिंगल सिंगल केस होगा लेकिन आपको मिल जाएगा मैम ओपन హాయ్ అందరికీ నమస్కారం నా పేరు వాణ్య సో ఈ రోజు నేను నేషనల్ సిల్క్ ఎక్స్పో కోసం వచ్చాను విచ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఎట్ సత్య సాయి నిగమగమం from 3rd to 11th of April and by the way I must say that there are so many beautiful collections and here there are many designers probably so many designers have come from 20 states of India here you can find Banarsi sari from Dhaka and by the way the prices are so reasonable here starting prices from 1000 then to 2 lakh so by the way do shopping here and you can find several designs under one roof so what are you waiting for and you must be aware that Ugadi is coming so please do come here and do shopping and I am wearing this beautiful purple color sari banarsi sari and what's the price 35000 and you can wear in for you can buy you can do shopping from here for your wedding occasion for normal occasion and also there are some home decor so what are you waiting for do come and do shopping here thank you see you soon नेशनल सिल्क एक्सपो का आज शुभारंभ हुआ है अभी उगादि फेस्टिवल है उसको ध्यान में रखते हुए पूरे देश भर के वीवर्स यहाँ पर आए हुए हैं जम्मू कश्मीर के केरला के आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु के आपका बनारस के बंगाल के पूरे देश भर के वीवर्स यहाँ पर अपनी अपनी कलाओं को लेकर के आए हैं मैं हैदराबाद वासियों से अनुरोध करूँगा कि एक बार वो यहाँ पर विजिट करें और ये देश में जो हैंडलूम की कला है वो यहाँ पर जो वीवर्स लेके आए हैं और उनकी कलाओं को देखें कि कैसे वो अपनी मेहनत से इतने सारे प्रोडक्टों को तैयार करते हैं एक एक साड़ी को 6-6, 8-8 महीने 1-1 साल लगता है बनाने में और उन साड़ियों को लेकर के हमारे वीवर्स यहाँ सत्य साई निगम में आए हुए हैं और ये एग्जीबिशन 11 तारीख तक जारी रहेगा आप सभी से अनुरोध है कि 11 तारीख तक एक बार यहाँ विजिट करें और काफ़ी अच्छा डिस्काउंट वीवर्स के द्वारा दिया जा रहा है तो एक बार इस मौके का फ़ायदा उठाएं और उगादि फेस्टिवल को सभी लोग वीवर्स का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदेंगे तो वो देश के और हैंडलूम के लिए बहुत अच्छा रहेगा और वो अपने परिवारों का भरण पोषण भी कर सकेंगे और ये हमारी जो संस्कृति है हमारा जो धरोहर है देश की वो जिंदा रहेगी